नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूं आपका इडियट बॉक्स में। बिहार की राजधानी पटना में 27 सितंबर 2022 को लड़कियों को जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ सेव द चिल्ड्रन एवं प्लान इंटरनेशनल का आयोजन किया गया। तब बिहार में एक आईएएस ने अपनी संकरी सोच का परिचय सभी को दे दिया। जब एक लड़की ने पूछा कि क्या सरकार 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड नहीं दे सकती, इसके जवाब में सीनियर लेडी आईएएस ने क्या कहा कि इस मांग का कोई अंत नहीं है। आज ये सरकार से 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड मांग रही है, कल परसों जीन्स और पैंट मांगेगी, परसों जूते मांगेगी और अंत में परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मांगेगी। बिहार में वर्कशॉप का मकसद सरकारी योजनाओं से लैंगिक असमानता को मिटाना था, लेकिन सीनियर लेडी आईएएस हरजोत कौर बमहरा ने इस मुद्दे को और बेटियों के प्रश्न को पाकिस्तान ही ले गई। और जब बेटियों ने प्रश्न पूछा तो उन्हें अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिले। इतना ही नहीं, जिसे सुनकर वर्कशॉप में बैठे हिस्सा लेने वाले कई लोगों को मानोस्तब्ध ही रहना पड़ गया। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि मिलर स्कूल की छात्रा ने पूछा कि स्कूल का टॉयलेट टूटा हुआ है, अक्सर वहां लड़के घुसाते हैं, टॉयलेट ना जाना पड़े इसलिए हम पानी ही कम पीते हैं। इसके जवाब में हरजोत कौर सीनियर आईएएस ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है, हर जगह अलग से बहुत कुछ मांगोगी तो कैसे चलेगा। छात्रा ने फिर कहा कि नहीं मैम, जो सरकार के हित में है कम से कम वो तो दे। तो मैडम ने जवाब दिया कि सरकार से लेने की ज़रूरत ही क्या है, खुद भी कुछ किया करो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उस वर्कशॉप में सीनियर आईएएस हरजोत कौर वहाँ करने क्या आई थी, क्योंकि उस वर्कशॉप का आयोजन करने का मकसद ही सरकारी योजना के विषय में लोगों को जानकारी देना था। कमला नेहरू से आई प्रिया ने सवाल पूछा कि सब कुछ सरकार सब कुछ देती है हमें, लेकिन क्या सरकार स्कूल में 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। तो इस पर सीनियर आईएएस ने जवाब दिया, मैं प्रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक छात्री पैड के, तो क्या मतलब 20-30 रुपये का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20-30 रुपए का बिस्कुट भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं दे सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने कि हरजोत कौर ने कहा कि इस मांग का कोई अंत नहीं है, 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल जीन्स पैंट दे सकते हैं, फिर परसों अच्छे जूतों की मांग होगी तो वो भी दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो मुफ्त में निरोध भी दे सकते हैं। बच्ची ने कहा कि सरकार को पैसा इसलिए देना चाहिए क्योंकि वह हमसे वोट मांगने आती है। इस पर सीनियर आईएएस ने कहा कि बेवकूफ़ी की इंतहा है, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान, तुम वोट सुविधाओं की एवज में देती हो। बच्ची ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो पाकिस्तान क्यों जाऊं। अंत में सीनियर आईएएस ने कहा कि आप बच्चियों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको ये तय करना होगा कि आप भविष्य में खुद को कहां देखना चाहती है, ये काम सरकार आपके लिए नहीं करेगी। सोच बदलने की ज़रूरत मैं बताना चाहती हूँ कि इन बच्चियों को नहीं बल्कि हरजोत कौर को है। हरजोत कौर को ये समझना होगा कि वह आत्मनिर्भर भारत योजना का प्रचार करने के लिए नहीं आई थी, जनता सरकार को वोट देती ही इसलिए है ताकि सरकार उनका यानी कि जनता का विकास कर सके। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।